आज मैं माता रानी के लिए लहंगा और ब्लाउज बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने लाल कलर का कपड़ा लिया है। और मेरी माता जी की मूर्ति थोड़ी बड़े साइज की है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग बड़ा साइज बना रही हूँ। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो मैंने 9x18 इंच का कपड़ा लिया है और इसको कट कर लिया है इसमें से। अब इसमें लेस से डेकोरेट करेंगे इसको, तो आपके पास जो भी हो लेस आप उससे कर सकते हैं। मेरे पास ये गोल्डन कलर का लेस था, तो मैं इसको इसमें लगा रही हूँ। इसको मैंने मशीन से सिल दिया है और इसके दोनों साइड देखिए पाइपिंग की तरह मोड़ करके सिलाई कर दिया मैंने, तो ये दोनों तरफ ऐसे लेस लग गया है। अब इसमें प्लेट्स बनाएंगे, तो प्लेट्स को सिक्योर करने के लिए मैंने सुई में धागा डाल के रख लिया है, और ऐसे हम प्लेट्स बनाते जाएंगे और सुई से इसको टक करते जाएंगे ताकि ये खुले ना। तो ये देखिए मैं सुई से इसको सिक्योर कर ले रही हूँ, और अपने अकॉर्डिंग जितना चौड़ाई चाहिए उसी के हिसाब से मैंने प्लेट्स बनाया है। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो ये देखिए प्लेट्स बना लिया मैंने। अब इसमें भी हम लेस लगाएंगे, तो ये बांधने के लिए माता जी की मूर्ति में पीछे बांधने के लिए ये मैंने पतला लेस लिया है, तो इसको भी इसमें लगा करके और यहाँ पे पाइपिंग की तरह हम इसको सिल देंगे। तो ये देखिए मैंने सिल दिया इसमें, ये मशीन से मैंने सिल दिया और ये दोनों तरफ बांधने के लिए बन गया, जिससे कि मूर्ति में हम आराम से बांध सकें। और प्लेट्स को अब हम सीधा करके ऐसे थोड़ा सा प्रेस कर देंगे जिससे कि प्लेट्स अच्छे से दिखाई दें। तो ये देखिए मैंने ये कर दिया। अब इसके ऊपर थोड़ा प्रेस भी चला दूंगी ताकि ये एकदम कायदे से रहे। तो ये देखिए लहंगा बहुत सुंदर तैयार हो गया। अब मैं ब्लाउज बना रही हूँ, तो उसके लिए 5x5 का कपड़ा लिया है मैंने। अब इसको मैं कट कर ले रही हूँ। तो ये देखिए कपड़े को मैंने फोल्ड किया हाफ, और 1 इंच इधर से और 2 इंच नीचे से लेकर के इसको गले गला काट लेंगे। तो ये देखिए मैंने नेक बना दिया इसका। अब इसमें भी लेस लगा करके चारों तरफ से सिल लेंगे और बांधने के लिए डोरी बना देंगे। ऐसे देखिए मैंने ये बांह भी बना दिया है माता जी के लिए। और अब ये देखिए लहंगा और ब्लाउज सुंदर सा तैयार हो गया। और चुनरी मैंने खरीदी है, तो ये इसके साथ मैंने चुनरी लगा दी, तो बहुत ही सुंदर माता जी का।